सो हाय गाइस, मेरा नाम अमीर मुई और आप देख रहे हो स्पोर्ट्स गाइस। स्पोर्ट में आपका स्वागत है। भाई साहब, आज मैं बात करने वाला हूं इंडिया वर्सेस फ्रांस का जो एफएच प्रो लीग का हमारा जो मेंस का पहला मैच था उसके बारे में बात करें। तो क्या ही इंडिया ने खेला यार। मैंने बोला था कि इंडिया ही मतलब फ्रांस एक या फिर एक गोल तो पक्का मारेगा, बट नहीं भाई साहब, इंडिया की जो डिफेंस ने खेला ना यार, बहुत ही बेहतरीन खेला है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ जो फ्रांस की टीम है यार वो और अच्छा खेल सकती थी, बट ये वाला मैच में अच्छा खेल नहीं पाया। बट हमारी टीम मतलब क्या ही बोलूँ मैं। अगर गोल की बात करूँ, मैं 5 गोल मैंने आपको किस क्यों कर आ रहा होगा। अगर आपने मैच देखा होगा, ऐसे इंडिया ने मतलब फर्स्ट अगर क्वार्टर छोड़ दिया, फर्स्ट क्वार्टर हमने इतने गोल नहीं मार पाए थे। चांसेस तो हमने बहुत किए थे ग्रेट, पर हम ज़्यादा गोल नहीं स्कोर कर पाए थे यार। वो जो सेकंड हाफ है, जब सेकंड हाफ हमने 3 गोल मारे, फोर्थ थर्ड क्वार्टर हमने 2 गोल मारे, और फिर फोर्थ क्वार्टर में इतना कुछ चांसेस तो हमने बहुत क्रिएट किए, बट फिर से हम थोड़ा गोल नहीं कर पाए। बट जो सेकंड और थर्ड क्वार्टर जो हमने खेला ना यार, लिटरली इट्स जस्ट अमेजिंग यार। बहुत ऐसा देख के अच्छा लगा। अगर मैं हमारे अच्छे परफॉर्मेंस की बात करूँ तो हमारे हरमनप्रीत कौर ने एक पेनल्टी कॉर्नर ली थी, वरुण कुमार है उसने ली थी, शमशेर सिंह का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, फिर मनदीप सिंह ने एक गोल मारा था मैंने देखा था, हाँ उनके उनका एक गोल था, और एक आकाशदीप का गोल था जिन्होंने टॉमहॉक से मारा था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा गोल था वो देखने के लिए। और जो बंदे की मैं नाम लेना चाहूँगा वो था एक नीलकंठ शर्मा, बहुत ही बेहतरीन है। उसने पास देता जो शमशेर सिंह ने जो गोल किया था ना, उसका एक असिस्ट अमेरिका का असिस्ट प्री असिस्ट था, उनके फ्रेंच के उनको पेनल्टी कॉर्नर मिला था उनको फ्रेंच वालों को, तो उनका पेनल्टी कॉर्नर हो गया, हमारे डिफेंडर ने सेव किया, फिर नीलकंठ शर्मा के पास बॉल आती है, उसने एक लॉन्ग ऐसे हॉरिजॉन्टल पास किया वरुण कुमार को, वरुण कुमार ने बॉल दी शमशेर को और शमशेर ने गोल कर दिया था। तो वो जो अपना बंदा था बहुत अच्छा खेला। और तो बहुत सारे मतलब अगर मैं जो अपना अभिषेक है उसको छोड़ दो ना यार, तो बाकी सबका गेम अच्छा ही था। और जो अपने कीपर की बात करूँ प्लेयर से श्रीजेश का भी गेम अच्छा था, फिर उन्हें पाठक है उनका भी गेम अच्छा था। तो मतलब इन शॉर्ट यार सारे ही प्लेयर का गेम अच्छा था। अभिषेक देखते भी अगले मैच में कैसा करता है, होप वो अच्छा करे, लेट्स सी। तो यही कुछ था गाइस अपने पहले मैच के बारे में। अगर मैं इनकी रैंकिंग्स की हो तो 13th रैंक थी, मुझे ऐसा लग रहा था यार एक आध गोल तो करेंगे फ्रेंच वाले, बट उनको चांसेस तो मिले यार फर्स्ट हाफ में, बट वो चांसेस को ये नहीं कर पाए, उसका फायदा उठा नहीं पाया, वो एक दे वो बॉल उनकी दिक्कत वाली बात थी। बट चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम जीत गए वो अच्छी बात है, ठीक है भाई प्रेडिक्शन गलत हो गई, बट वो क्या क्या ही कर सकते हैं। बट इनके साथ जो अगला मैच होगा यार वो मुझे लगता है कि टफ हो सकता है, बट देखते क्या होता है। तो ये तो बात ये वाले मैच के बारे में। अगर मैं आज के मैच की बात करूँ, जो अपना आज अपना मैच होने वाला है साउथ अफ्रीका के साथ, तो भाई साहब साउथ अफ्रीका का मैं रैंकिंग बता दूँ, उनकी ज़्यादा मतलब इतना ठीक रैंकिंग है, वो टॉप 10 में नहीं आते, वो उनकी रैंकिंग 12 है मेरे ख्याल से, या उनकी वही रैंकिंग अभी आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो या गाइस अभी उनको हरा सकते हैं कि नहीं, मेरे ख्याल से हराना चाहिए यार, आसानी से हराएंगे मेरे ख्याल से, हाँ, बिकॉज जिस तरीके से फ्रांस को हराया, अगर ऐसे ही अगर हम खेलेंगे ना यार तो हम उनको आराम से हरा सकते हैं। बट देखते यार, बिकॉज ऐसा हमारा ऐसे ही होता है, एकदम बहुत अच्छा खेलते, एकदम थोड़ा उससे थोड़ा हम कंसिस्टेंटली खेल नहीं पाते, पर फिर भी अभी देखते हैं अगले मैच में क्या होता है यार। और हाँ गाइस, इसका हम वॉच अलॉन्ग भी करने वाले हमारे चैनल पे, तो अगर आपको देखें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको सारी चीज़ें देखने मिल जाएंगी। और एक बात, 9:30 बजे ये मैच होने वाला है, स्टार फूड सिलेक्ट 2 पे आप देख सकते हो और हॉटस्टार पे आप देख सकते हो, तो आप आ जाना, आ जाना है, मजा करेंगे। तो बस अभी इतना ही रखते हैं आज के मैच के लिए, बस यही रखते हैं, ये छोटी सी मुझे अपडेट देनी थी आपको, थोड़ा सा आपको मैच के बारे में बता दिया, थोड़ा जो आज का मैच है उसके बारे में बता दिया। तो बस गाइस अभी इतना ही रखते हैं आज वीडियो के लिए, और रैंकिंग मैंने आपको साउथ अफ्रीका की रैंकिंग 12 है, तो यार मैं वो आपको मैंने बता दिया, और कुछ भी नहीं, और कुछ तो बचा नहीं है। तो गाइस बस अभी आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो हाँ वॉच अलॉन्ग के लिए आपको आना है, इसका जो ये मैच होगा इसका वॉच अलॉन्ग करने वाले रात को 9:30 बजे, तो आप लोग आ जाना यार, बहुत मजे करेंगे, इट विल बी अ फन। तो बस गाइस आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, तब तक के लिए पीस आउट। और जो जो आज आज हमारा हमने किया था यार लाइव वॉच, उसमें अपने जो हेमंत भाई उन्होंने सुपर चैट दिया था, तो थैंक यू हेमंत भाई, आपके सबके 40 रुपीज़ के लिए, आपके सपोर्ट के लिए यार, वो 40 रुपीज़ नहीं थे यार, मेरे लिए लिटरली एक मोटिवेशन था, तो थैंक यू मेरे भाई। और जो बाकी के लोग देखते हैं उनको भी थैंक यू यार, आज हमने जो सपोर्ट दिया यार, जो कल वाले वॉचर के लिए आपने जो सपोर्ट दिया है उसके लिए रियली रियली थैंक यू, जो भी लोग आए थे यार, तो हाथ मैं आपको हाथ जोड़ के थैंक यू बोलता हूँ। बस हमने इतना ही बोला था, थैंक यू प्लीज, सो पीस आउट।